अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो सर्दियां हैं जैसे कि सबको पता है, और सर्दियों में हलवे तो डिफरेंट तरह के बनते ही हैं। तो आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, हाफ कप चीनी और 1/4 कप ऑयल ले लें या घी ले लें। आप लोगों ने ये हिसाब रखा है कि अगर 1 कप बेसन है ना, तो उससे आधी चीनी होगी और चीनी से कम घी होगा। और ये जो छोटी इलायची है पिसी हुई, ये 1/2 टीस्पून है। और ये बादाम को मैंने हाथ वाले चटवटे में अच्छी तरह से पीस कूट लिया छोटे छोटे, ये हम यूज़ करेंगे। देखिए, अब हमने एक पैन ले लिया, इसमें हमने अब 1 कप पानी डालना है। ये हम शीरा प्रिपेयर कर रहे हैं, जो क्योंकि हम डायरेक्ट चीनी नहीं डालेंगे वरना बेसन में गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हमने जो शीरा बनाना है उसमें 1 कप पानी है और आधा कप शुगर का लेंगे हम। और अच्छी तरह से इसका शीरा बना लेंगे और फिर इसे अलग कर लेंगे। आपने चीनी को वो नहीं बनाना, बस इतनी देर तक इसे पकाना है कि चीनी अच्छी तरह पानी में घुल जाए। चीनी मेल्ट हो गया, अपने से ही जाते रहना वरना जो चीनी जो है ना वो नीचे लग जाएगी। हमने बस इसे इतना ही पानी को पकाना है कि चीनी बस मेल्ट हो जाए। हमने इसकी वो जो कलर नहीं चेंज होने देना पानी का। अच्छी तरह से जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में ताकि ये ठंडा हो जाए। हमने पानी जो है एक बोल में निकाल के ठंडा होने रख दिया है। अब हम ऑयल जो है वो पैन में डालेंगे। पैन में जो है वो ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो 1/4 कप है, यानी कि 1 कप का चौथाई हिस्सा। इसे डाल के अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। हमने इलायची का पाउडर लिया, आप साबुत इलायची भी दे सकते हैं। अब ये थोड़ा सा जब गर्म होगा हम इसमें बेसन डाल देंगे, वो हम छानते हुए डालेंगे ताकि जो है ना गुठलियाँ ना बने बेसन की, वैसे गुठलियाँ बन जाएंगी। नीचे से एक हाथ से आप चलाते जाएंगे, साथ साथ आप बेसन जो है ना वो छन्नी के जरिए डालते जाएंगे। इस तरह ना इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, कोई लम्स नहीं बनेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम ये सारा काम बिल्कुल लो हीट पे कर रहे हैं। हीट थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, थोड़ी सी मीडियम हीट पे अब हम इसे बनाएंगे। इसे लाइट सा हमने ना इसका कलर चेंज करना है बेसन का। ये देखें, जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी आपको, तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। अभी अच्छी तरह हमने इसे भूनना है। ये देखें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पे इजी इजी होममेड तरीके से घर की चीज़ों से बनी हुई डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो आम रूटीन में नहीं बनती। और हम ये भी देखेंगे कि हम एक चीज़ को किस तरह डिफरेंट तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई रेसिपी चाहते हैं कि मैं वो ट्राई करूं, या अपनी कोई रेसिपी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये देखें, ये निशानी होती है बेसन के भुनने की कि ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि मेरा नॉन स्टिक पैन है तो इसलिए जल्दी हो गया, लेकिन फिर भी आपने इसे ना जब तक ये अच्छी तरह भुन नहीं जाता, इसे चलाते रहना है मीडियम हीट पर, छोड़ना नहीं है आपने। ये देखें, घी अलहदा होना शुरू हो गया है और
छींटे भी आना शुरू हो गई हैं। बेसन जब अपना कलर चेंज कर देगा, पानी हम तब इसमें ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली इसे हिलाते जाएंगे। ये देखें कैसे बबल्स बन रहे हैं और कैसे ये इतनी प्यारी सी स्मेल आना शुरू हो गई है। अगर आप अच्छी तरह से बेसन को भूनेंगे नहीं तो बेसन का एक तो कलर नहीं आएगा हल्दी का प्यारा सा, और खुशबू नहीं आएगी, बेसन कच्चा कच्चा फील होगा। आपने अच्छी तरह से भूनना है। ये एक कप बेसन लग रहा है, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये फूल जाएगा। बेसन फूलता है, आप अपने मुताबिक जितना लेना है उस क्वांटिटी के हिसाब से देख लें। अगर 2 कप बेसन है तो 1 कप चीनी डलेगी और फिर 2 कप भी पानी डलेगा, जितना बेसन उतना ही पानी और चीनी हाफ। अगर आपके घर में चीनी ज़्यादा खाई जाती है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब बिल्कुल लो हीट कर दिया मैंने, क्योंकि ये देखें बेसन अपना कलर चेंज कर रहा है। कि बेसन कितना पतला हो गया, घी छोड़ दिया, फिर भी हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल घी और ये देखें इसकी कलर देखें कितना चेंज हो गया बेसन का, लेकिन हम इसे फिर भी भूनेंगे। अगर घी आपको कम लगे आप देसी घी में भी बना सकते हैं। मुझे क्योंकि देसी घी इतना पसंद नहीं है तो मैं ऑयल में बना रही हूँ। आप लोग डालडा घी में जो आपको पसंद हो, कोकोनट ऑयल, आप किसी में भी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है, कितना वो अजीब सख्त सा लग रहा था, आप कितनी इसको चेक करें। अब इस स्टेज पे हमने जो चीनी का शीरा बनाया था हम वो ऐड कर देंगे। और चीनी का शीरा डालने के बाद तो आपने बस हिलाते ही जाना है, रोकना नहीं है, वरना गुठलियाँ बनना है। और हम हीट जो है वो मीडियम रखेंगे, ना हाई ना लो। ये देखें आपको अभी लग रहा होगा कि पतला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेसन जो है वो फूलना शुरू कर दे। कि बेसन कितना पतला हो गया, घी छोड़ दिया, फिर भी हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल घी और ये देखें इसकी कलर देखें कितना चेंज हो गया बेसन का, लेकिन हम इसे फिर भी भूनेंगे। अगर घी आपको कम लगे आप देसी घी में भी बना सकते हैं। मुझे क्योंकि देसी घी इतना पसंद नहीं है तो मैं ऑयल में बना रही हूँ। आप लोग डालडा घी में जो आपको पसंद हो, कोकोनट ऑयल, आप किसी में भी बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है, कितना वो अजीब सख्त सा लग रहा था, आप कितनी इसको चेक करें। अब इस स्टेज पे हमने जो चीनी का शीरा बनाया था हम वो ऐड कर देंगे। और चीनी का शीरा डालने के बाद तो आपने बस हिलाते ही जाना है, रोकना नहीं है, वरना गुठलियाँ बनना है। और हम हीट जो है वो मीडियम रखेंगे, ना हाई ना लो। ये देखें आपको अभी लग रहा होगा कि पतला है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेसन जो है वो फूलना शुरू कर दे। देखें बेसन ने कैसे एकदम अपनी कितना गाढ़ा हो गया। हम फौरन जो हीट है वो लो कर देंगे और इसे ये देखें आपको मैं हर स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करने लगे। कितना पतला लग रहा था तब, और ये विद इन 1 मिनट हुआ है कि ये इतना थिक हो गया है।
लेकिन हमें इतना थिक नहीं चाहिए, तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसमें हाफ कप के करीब और पानी ऐड कर रही हूँ। और हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये इसकी टेंशन नहीं लेनी है, लम्स नहीं बनेंगे। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये बहुत क्विक रेसिपी है, सर्दियों में अगर घर में मेहमान आ जाएं या फिर ऐसे ही आप लोगों का मीठा खाने को दिल करे और लेकिन मेहनत करने को दिल ना करे, तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर ये हलवा बना सकते हैं। तो ये देखें, कोई गुठली नहीं बनी। कोई अगर हम चीनी का पानी ना बनाते और इसी तरह ऐड कर देते तो फिर आपका हलवा लग भी सकता और लगने का भी खतरा होता है और ये गुठलियाँ भी बन जाती हैं। अब ये देखें कितना मुलायम है और कैसे। अब हमने इसे तब तक के लिए पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। हम इसे कॉन्टीन्यूसली हिलाते जाएंगे ताकि ये लगे ना। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून और ऑयल इस स्टेज पे आपने ऐड करना है जब ये भुनने के बिल्कुल करीब हो जाए। और अब आप इसमें कोई भी मेवा जात भी ऐड कर सकते हैं जो आप ऐड करना चाहें, और अच्छी तरह से भून लेंगे। देखें कितना मुलायम हो गया, ये देखें चम्मच पे भी नहीं चिपक रहा, घी अलायदा हो गया। अब हम इसे इसमें इस वक्त थोड़े से नट्स डालेंगे जो आपको ज़रूरत हो, और इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा। अब ये देखें, आपने अगर डोंगे में इसी तरह सर्व करना है तो आप इस तरह कर लें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कोई शेप हो हलवे की। ये देखें बिल्कुल हलवाई की तरह का हलवा बना है। हलवाई की देखें, ऑयल देखें, चिकनाहट देखें, और हलवे का कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखें अच्छे और सही हलवे की पहचान ही यही होती है कि वो जो ऑयल जो होता है ना वो छोड़ देता है। ये देखें बिल्कुल हलवाई स्टाइल का हलवा बनाया आज हमने बेसन का। और इसे थोड़ी देर के लिए मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। अगर आपने इसी तरह सर्व करना है डोंगे में तो आप डायरेक्ट भी गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा अच्छा लगता है शेप में। मैंने इसे केक के एक सांचे में, कोई सा भी सांचा ले सकते हैं, गोल आप गोल का डोंगा भी यूज़ कर सकते हैं, जो शेप आपने देनी हो आप वो शेप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वक्त इसे हार्ट शेप में दे रही हूँ, तो मैं इसे हार्ट शेप में अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। ये देखें आप इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई। आप लोग इस तरह का बाज़ार में रेस्टोरेंट में ये हलवा खाया जाता है, सर्दियों में स्पेशल मेन्यू में शामिल होता है, तो आप यही 10 मिनट आप घर पे अपने लगाएं और मज़ेदार सा हलवा तैयार कर लें। ये देखें अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे ही 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। कितना कितनी प्यारी शेप आई है। अब आप इस पर कोई से भी नट्स जो हैं वो गार्निशिंग के तौर पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं इस तरह से इस पे बादाम जो है उसकी गार्निशिंग करूँगी। आप बॉयल एग यूज़ कर सकते हैं, चेरीज यूज़ कर सकते हैं, वो जो अशरफियाँ जिसे कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी अपने हलवे को टेस्ट दे सकते हैं आप लोग। ये देखें इसकी फाइनल लुक, जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है इससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। चलें जी, नेक्स्ट आपको कोई अच्छी सी और रेसिपी, इजी रेसिपी दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।